वेलकम टू यूट्यूब एड सीरीज पार्ट टू में दोस्तों आपका दिल से स्वागत है। आई होप दोस्तों कि आपने पार्ट वन देख लिया होगा, क्योंकि दोस्तों पार्ट वन में दोस्तों मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। वहाँ पर मैंने बेनिफिट्स शेयर किए हैं, वहाँ पर दोस्तों मैंने गूगल के 2000 रुपीज की जो एड ऑफर है दोस्तों, एड क्रेडिट की जो ऑफर है गूगल की 2000 रुपीज की, वो एड के ऑफर के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और साथ में दोस्तों मैंने आपके साथ प्लानिंग भी शेयर की है उस वीडियो के अंदर कि मैं पार्ट टू थ्री फोर फाइव में क्या क्या करने वाला हूँ। सो आपको आसानी हो कि भाई हमारा मेन पार्ट कौन सा है, हमें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए। सो यार अगर पार्ट वन अगर नहीं देखा होना तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि वहाँ पर अगर काफ़ी सारी मैंने चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई हुई है, जो कि दोस्तों मैं पार्ट टू में आपको नहीं बताने वाला और पार्ट थ्री में मतलब हर ऐसे पार्ट में होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों कि आपको ये सीरीज पार्ट वन से फॉलो करनी चाहिए, सडनली बीच में से अगर आप स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को रिप्लाई या फिर डबल बार में फिर से एक बार नहीं बताने वाला आपको। सो मेक श्योर कि आप पार्ट वन टू थ्री ऐसा सीक्वेंस फॉलो करें। इसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सो आप जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के और वहाँ पर इंजॉय कीजिए वीडियो को। सो यार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एड। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, वहाँ पर मैंने ओवरव्यू दिया था टाइप्स ऑफ एड के ऊपर। पर दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ एड को समझना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें समझे कि भाई हमारे लिए कौन सी एड अच्छी है, कितना इन्वेस्टमेंट, हमारा बजट, प्लानिंग, काफी सारी प्लानिंग हमें करनी होती है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एड को समझना जरूरी होता है। इससे मैंने सोचा कि आपके लिए पार्ट टू के अंदर में टाइप्स ऑफ एड आपको बता दूं। और दोस्तों मैं इसके अंदर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा वीडियो आपको चूज करना चाहिए अपने प्रमोशन करते वक्त, एड कैंपेन चलाते वक्त, यूट्यूब पे आपके वीडियो को प्रमोट करते वक्त। और दूसरी बात दोस्तों कि कौन से टाइप ऑफ एड आपके उस चैनल के लिए एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। अगर पूरा वीडियो अगर पसंद नहीं आता है, कोई पॉइंट डायरेक्ट से पॉइंट आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कौन सा पॉइंट कहाँ पे शुरू हो रहा मैंने फुल मतलब टाइमर के साथ इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप सीधे वो टाइम के ऊपर वीडियो प्ले कर सकते हो आपकी मर्जी। पार्ट वन में भी वैसा किया हुआ है मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन राजपूत, आप देख रहे हैं पवन मार्केट। तो यार दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ एड के अंदर मैंने यहाँ पर दो ग्रुप किए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इन ग्रुप के अंदर से दोस्तों हम एग्जांपल भी लेने वाले हैं। सो दोस्तों पहला ग्रुप जो आता है ट्रू व्यू एड्स। दोस्तों इस ट्रू व्यू एड के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स आते हैं वो ये है, एक फर्स्ट नंबर पर दोस्तों डिस्कवरी एड, डिस्प्ले एड, एक इंस्ट्रीम एड, और दोस्तों दूसरा जो है दोस्तों स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स। दोस्तों ऐसे तीन टाइप्स आते हैं ट्रू व्यू एड्स के अंदर, इसका एक ग्रुप है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा इनको डिटेल में जान लेते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो आता है डिस्प्ले और डिस्कवरी एड्स। तो यार डिस्प्ले और डिस्कवरी एड दोस्तों क्या होता है कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, डिस्प्ले और डिस्कवरी एड दोस्तों सर्च रिजल्ट पेज पे आते हैं और वॉच पेज पे आते हैं और होम पेज पे भी आते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर डिस्कवरी एड्स जो होते हैं, डिस्प्ले एड्स जो होते हैं, वो वीडियो के मतलब ये जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो चल रहा है ये वीडियो, ये जो पेज है दोस्तों इसे वॉच पेज कहते हैं, ठीक है। तो इस पेज के दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, पर जिस चैनल पे ऑन रहता है उसके नीचे भी दोस्तों कभी कभी वीडियो आ जाती है एज एड के रूप में उसके। तो ये वॉच पेज के ऊपर भी आपकी एडवर्टाइजमेंट लगती है, जो कि ट्रू व्यू एड के अंदर आती है, जो कि डिस्कवरी और डिस्प्ले एड के अंदर आती है, डिस्प्ले और डिस्कवरी एड टाइप, ठीक है। और दूसरी इसके अंदर और भी दोस्तों इसके अंदर होता है एक, अगर कोई YouTube पे सर्च करता है कोई कीवर्ड, कोई क्वेरी, तो वहां पर तो फर्स्ट नंबर पे एज एड के फॉर्मेट में जो कि स्पेस होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, फर्स्ट नंबर पे जो एड आती है सर्च रिजल्ट में उसे भी डिस्कवरी और डिस्प्ले एड कहते हैं। और दोस्तों होम पेज पे भी आपने कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे अपने फील्ड में सर्व करते वक्त, तो वो भी दोस्तों डिस्प्ले और डिस्कवरी एड्स के अंदर ही आते हैं। तो ट्रू व्यू के अंदर दोस्तों सेकंड नंबर पे है इंस्ट्रीम एड्स। दोस्तों आपने वीडियो शुरू होने के पहले कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो एक दो मिनट, 10-15 मिनट के ऐसे वीडियोस होते हैं, जो कि दोस्तों वीडियो के पहले शुरू होते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट के रूप में शुरू होते हैं, वो भी एक फॉर्मेट है दोस्तों। उस एड टाइप का नाम है दोस्तों इंस्ट्रीम एड्स, जो कि वीडियो के पहले शुरू होते हैं दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों स्किपेबल एड्स होते हैं, एक नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं। दोस्तों स्किपेबल जो एड्स होते हैं दोस्तों वो 5 सेकंड एड प्ले होने के बाद वापस स्किप का बटन आपको मिल जाता है, और इनस्किपेबल के अंदर दोस्तों वहाँ पर आपको बटन नहीं मिलता, पूरा वीडियो वो देखना ही होता है। तो दोस्तों इनस्किपेबल, तो इंस्टेंट के अंदर ये आता है। सो दोस्तों ट्रू व्यू का फायदा ये है कि अगर कोई व्यूअर, कोई भी बंदा अगर उस वीडियो को 30 सेकंड तक देखता है तो ही आप उस बंदे को या फिर तो ही आप यूट्यूब को पे करते हो, राइट। यहाँ पर दोस्तों CPV आता है, मतलब कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू के आप कितना पे करना चाहते हो वहाँ पर आप डिसाइड करते हो। मैं बताऊंगा आपको ट्यूटोरियल में, पार्ट फोर में प्लानिंग शेयर की है मेरे पार्ट फोर में, आई होप आपने देखी हो। तो वहां पर दोस्तों आप सिर्फ 30 सेकंड के पे करते हो
और दोस्तों अगर इंस्टेंट की बात करें तो इंस्टेंट के अंदर भी दोस्तों जो स्किपेबल एड्स होते हैं वो स्किप अगर आप कर देते हो तो वहां पर आप पे नहीं करते, क्योंकि दोस्तों इंस्टेंट के अंदर दोस्तों आप इंप्रेशन के पैसे देते हो। इंप्रेशन मतलब 1000 बार आपकी एड 1000 लोगों को दिखाने पर वहां पर आप पे करते हो। तो ये अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं हम इसे, कि हमें 30 सेकंड पे करना है क्लिक होने पर, या फिर हमें 1000 लोगों को बताने पर पे करना है। तो दो प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है जो कि हम काफी डिटेल में जानेंगे ट्यूटोरियल बेस्ड के वीडियो में, जो कि पार्ट 4 और 3 में। सो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ट्रू व्यू तो हो गया। अब जानते हैं दोस्तों मैंने दूसरा जो ग्रुप किया है दोस्तों उसका नाम है बम्पर एड्स। दोस्तों बम्पर एड्स दोस्तों वो एड्स होते हैं जो कि आपको पूरे के पूरे देखने, मतलब सिमिलर टू नॉन स्किपेबल एड, जिसके अंदर नॉन मतलब जिसके अंदर स्किपेबल का बटन नहीं मिलता, आपको ऑप्शन नहीं मिलता। वो जनरली दोस्तों 15 सेकंड की होती है, 15-30 सेकंड की। तो वो एड दोस्तों होती है नॉन स्किपेबल, यानी बम्पर एड्स जो कि 6 सेकंड की भी होती है। तो बम्पर एड को जनरल दोस्तों 6 सेकंड एड भी कहते हैं, जो कि आपको पूरी देखनी होती है। सो और भी टाइप होते हैं दोस्तों, जैसे कि ओवरले एड्स, ओवरले इन वीडियो एड्स, मतलब दोस्तों ओवरले इन वीडियो एड्स मतलब दोस्तों कि अभी ये वीडियो प्ले हो रहा है तो वीडियो के अंदर भी दोस्तों आपने कभी कभी ऐसे एड्स देखे होंगे जो वीडियो के अंदर एक छोटे से ऐसे आकार में दोस्तों प्ले होती है। वीडियो एड नहीं रहती जनरली दोस्तों, वो वेबसाइट्स के लिए होती है। और दोस्तों एक दूसरा जो टाइप है दोस्तों स्पॉन्सर कार्ड एड, दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे कि आई बटन आप देख पा रहे हो, इस आई बटन के अंदर भी दोस्तों एड होती है जो कि स्पॉन्सर कार्ड एड होती है, जो कि वीडियो एड्स होती है। अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो आप पे करते हो। यहाँ पर दोस्तों ये टाइप्स ऑफ एड होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 30 सेकंड पे आप पे करते हो, और एक पे करते हो आप 100-1000 बार इंप्रेशन, यानी 1000 बार वो एड बताने पर आप पे करते हो। दो जनरली बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है इसके अंदर। सो अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमें कौन सा टाइप ऑफ वीडियो हमें प्रमोट करना चाहिए, मतलब हमारे अभी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो थे राइट, तो उनमें से कौन सा वीडियो हमें प्रमोट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ फैक्टर दोस्तों मैंने डिसाइड किए जो कि मैं जनरली यूज करता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वॉच टाइम फैक्टर। दोस्तों वॉच टाइम फैक्टर मतलब आपको सिंपली ये देखना है कि कौन से वीडियो पे आपको सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला है। एक बात का ख्याल ध्यान रखिएगा कि आपके YouTube चैनल पर एटलीस्ट कंटेंट इनफ होना चाहिए। कंटेंट इनफ होना चाहिए मतलब 10 से 15 वीडियो होने चाहिए, उसके बाद आपको YouTube वीडियो की तरफ आना, यानी YouTube एड्स की तरफ आना है, प्रमोट करना है। अगर 2-3 वीडियो होंगे आप प्रमोट कर देंगे तो प्रॉब्लम चांसेस है कि वो बंदा सब्सक्राइब ना करे, क्योंकि उसको कंटेंट चाहिए। थोड़ा बहुत कंटेंट रख के ही प्रमोट कीजिएगा। और दोस्तों वॉच टाइम की जो मैं बात कर रहा था उसके अंदर दोस्तों आपको जो वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला है, जिसके अंदर एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज व्यू ड्यूरेशन सबसे अच्छा है, वो वीडियो लेना है, वो वीडियो आपको प्रमोट करना है। क्योंकि वो वीडियो अगर आपको सब्सक्राइबर अच्छे से गेन करके दे सकता है, अगर वो वीडियो इंगेजेबल है तो वॉच टाइम ज्यादा रहना मतलब इंगेजेबल वीडियो है। और हमें यहाँ पर इंगेजेबल वीडियो ही चाहिए, क्योंकि बंदा सब्सक्राइब करेगा दैट्स इंगेजेबल, बंदा अगर लाइक करता है और सब्सक्राइब करता है फिर कमेंट करता है तो वो इंगेजेबल वीडियो। तो यहाँ पर हमें इंगेजेबल वीडियो प्रमोट करना है ताकि वो बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, आपको व्यूज मिले, आगे की वीडियो भी देखे। आई होप दोस्तों आपको समझ गया होगा कौन सा वीडियो आपको चूज करना है आपके यूट्यूब चैनल में प्रमोट करने के लिए। सो आप जान लेते हैं दोस्तों कि हमें हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, हमारे वीडियोज के लिए कौन सा टाइप ऑफ वीडियो सबसे बेस्ट रहने वाला है। देखो दोस्तों जैसे मैंने दो ग्रुप किए हैं, एक प्रू व्यू एड्स, एक बम्पर एड्स राइट। तो दोस्तों ये ट्रू व्यू एड्स दोस्तों जो जनरली होते हैं ये दोस्तों एक मतलब इंगेजेबल के, मतलब आपको अगर सब्सक्राइबर गेन करने हैं राइट, और व्यूज गेन करने हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आपका मेन इंटेंशन अगर ये है ठीक है, सब्सक्राइबर गेन करना, व्यूज गेन करना ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पर आप ये ट्रू व्यू टाइप ऑफ एड यूज कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों अगर आपको आपके अगर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है जो कि आप दोस्तों जनरली उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो, फिर ब्रांडिंग आप जस्ट मैं ब्रांडिंग के लिए बम्पर एड्स बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये 6 सेकंड की एड्स होती है, 6-15 सेकंड की, जो कि आप स्किप नहीं कर सकते। तो नॉन स्किपेबल एड दोस्तों जनरली ब्रांडिंग के लिए यूज की जाती है, क्योंकि जैसे कि आपने एक जोमेटो एड देखी होगी दोस्तों जो कि सिर्फ ब्रांडिंग के लिए यूज होती है। जोमेटो बार 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 ब्रांडिंग के ऊपर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा वो वीडियो अगर होती है। और ट्रू व्यू एड दोस्तों व्यूज गेन करने के लिए, सब्सक्राइब गेन करने। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपका गोल है व्यूज लेना या फिर सब्सक्राइबर लेना या फिर ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है। सो वहां पर आपको टाइप्स ऑफ एड, अगर मार्केटिंग करनी हो तो बम्पर एड्स, अगर व्यू और सब्सक्राइबर गेन करने हो तो ट्रू व्यू एड्स। तो मेक श्योर कि आप टाइप ऑफ वीडियो सही से चूज करें आपके चैनल के हिसाब से। तो यार दोस्तों यहाँ पर मैं
तो यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी हमारे चैनल की न्यू पार्ट 3 जब मैं अपलोड करूंगा तो उसको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और लाल और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और खास बात कमेंट कीजिए आपके क्वेश्चंस, क्योंकि मैं एक पार्ट लाने वाला हूँ FAQ जिसके अंदर आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर रहने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपके क्वेश्चन कमेंट करें और मैं आपको आंसर दूँ उस स्पेशल वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।